Hello guys, I'm Saloni. Welcome back to my channel Saloni Swag. In today's video, I'm going to show you how to take care of your skin in winter. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप अपने स्किन की केयर सर्दियों में कैसे कर सकते हैं, किस वे में कर सकते हैं जिससे आपकी त्वचा और भी ज़्यादा निखरे, सर्दियों में आपकी त्वचा ड्राई ना हो और रूखी सूखी ना पड़े. सो इसके ऊपर मैं आज आपको टिप्स बताने वाली हूँ, रेमेडीज बताने वाली हूँ. सो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सुबह से लेकर रात तक का आपका स्किन केयर. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह में अपना फेस वॉश करना है. आफ्टर बाथिंग भी कर सकते हैं आप. सो आफ्टर बाथ आप अपना फेस वॉश कर लें. सबसे पहले तो मैं अपना फेस वॉश यूज़ करती हूँ ममा अर्थ का. ये जैसा कि मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है आपको बताने से पहले, तो इसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले आप अपना फेस वॉश कर लो. उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी क्लींजिंग हो, कोई सा भी आप ले सकते हैं. मैं ये गुलाबरी का फेस क्लींजर यूज़ करती हूँ. सो आपको क्या करना है कि अपना क्लींजर जो है वो अपने फेस पे लाइक दिस वे इस तरीके से अपने फेस पे अपना क्लींजर अप्लाई करके उसको अच्छे से मसाज करना, ताकि आपके फेस के जो ओपन पोर्स के अंदर जितने भी डर्ट्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएं. सो इस तरीके से आपको अच्छे से इसको मसाज करना है. अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि जितने भी डर्ट्स हैं वो बाहर की तरफ निकले. तो अभी ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है. तो इसके बाद आपको फिर से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से. सो गाइज अभी मैं आती हूँ अपना फेस वॉश करके. सो गाइज एज यू कैन सी मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया है. सो मैं बताती हूँ इसके बाद का प्रोसेस क्या है. आपको अच्छे से पहले अपने फेस का जितना भी वाटर है उसको अच्छे से वाइप कर लेना है टॉवल की हेल्प से. एंड ये हो चुका है, आप देख सकते हो. सो अब मैं बताती हूँ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है. सो गाइज आफ्टर दिस प्रोसेस आपको कोई सा भी बॉडी लोशन हो, कोई भी मॉइस्चराइजर वो अपने बॉडी पे, वो अपनी स्किन पे आपको अप्लाई करना है. मैं ये ममा अर्थ का मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे, ताकि वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करे, फेयर करे एंड ऑल्सो ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करे. सो ये बॉडी लोशन आपको अप्लाई कर लेना है. कोई भी बॉडी लोशन जो भी आप यूज करते हो जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो, तो आपको इस तरीके से अपने फेस पे हो, स्किन पे हो, हाथ के स्किन पे भी इसको अच्छे से अप्लाई कर लें इस तरीके से. इट्स फील सो गुड. सो ये हो चुका है. इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ इसके बाद आपको क्या करना है. सो इसके बाद आपको अपने फेस पे ये गुलाब जल अप्लाई करना है. कॉटन की हेल्प से मैं नहीं करती, मैं डायरेक्ट इसको अपने हाथों पे लेके ऐसे आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको लेना है एंड जस्ट ताकि ये आपके पूरे फेस की स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. आपको इसको मसाज नहीं करना है, ऐसे थपकी देनी है ताकि ये आपकी स्किन को एक पिंकिश ग्लो दे. सो आफ्टर दिस मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है. इसमें पहले तो मैं यूज करूंगी ग्लिसरीन एंड एलोवेरा जेल. ये दोनों हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है. तो ये दो चीज़ें मैं आपको विंटर में अपने स्किन पे अप्लाई करने की सलाह बिल्कुल दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट होता है हर तरह की स्किन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट.
आगे का स्टेप क्या है, ये हो गया एलोवेरा जेल एंड दिस इज ग्लिसरीन। सो इन दोनों के मिक्सचर को मैं अभी रेडी करूँगी अपने पाम पे। आई एम नॉट यूजिंग एनी वॉल बिकॉज मैं एक टाइम के लिए ही मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सो इसको आप पाम पे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन नहीं होता है, थिक होता है। सो आप इजली इसको अपने पाम पे लेकर के इसके पेस्ट को रेडी कर सकते हो। सो मैं बता देती हूँ आपको, इन दोनों को मैंने अपने पाम पे ले लिया है एंड इस तरीके से इसका आपको पेस्ट बनाना है। बहुत ही थिक होता है एज यू कैन सी। रेडी फॉर यूज एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको कैसे अप्लाई करना है। इसको आपको अपने फिंगर टिप से अच्छे से थोड़ा कैप को पीछे कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करने में। सो या दिस वे यू कैन यूज दिस पेस्ट। इसका बेनिफिट पता है क्या, आप इसको नाइट में भी यूज करोगे अपने फेस पे अप्लाई करके अगर आप सोते हो तो ये एक नाइट क्रीम की तरह भी डेफिनेटली वर्क करता है और आपकी स्किन को एक ग्लोइंग और एक मॉइस्चराइज्ड स्किन देता है जिससे आपको कोई भी जैसे विंटर की वजह से जो स्किन में ड्राइनेस आ जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो विंटर में होती है हमारी स्किन को, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो सारे आपको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे अदर प्रोडक्ट्स। ये एक जो रेमेडी है वो आपकी पूरी विंटर के लिए आपकी स्किन के लिए काफ़ी है, जो आपकी स्किन को एक ग्लो भी देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। जस्ट बिकॉज कि इसमें मैंने एलोवेरा जेल भी इसमें मैंने यूज़ किया हुआ है। सो यस, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है जो कि आप इसको विंटर में यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन पे डे एंड नाइट। एंड मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो ये जो प्रोसेस है इसको ऐसे आपको अप्लाई करके और थोड़ा सा अपने फिंगर टिप से मसाज भी करना है ताकि ये अच्छे से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। सो या इन दिस वे इट इन दिस वे एंड सर्कुलर मोशन ताकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छे से मेंटेन करे जिसकी वजह से आपके फेस पे एक अच्छा ग्लो आए। इसको आप अगर कंटिन्यू एक वीक तक यूज करोगे ना तो आपको रिजल्ट बिल्कुल क्लियरली आपके सामने आएगा, आपको सामने दिखेगा इसका रिजल्ट क्या है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट सामने आता है। वैसे तो मैं एक से दो दिन का ही बताती हूँ आपको कि एक से दो दिन में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, पर आफ्टर वन वीक ड्रास्टिक चेंज आता है स्किन पे। सो आई पर्सनली यूज दिस रेमेडी। So, इसको आपको एज इट इज छोड़ देना है और इसके बाद आपको सो जाना है। ये प्रोसेस रात के लिए था, ये सोने वाला लगा के छोड़ देने वाला। एंड सुबह के लिए ये है कि आप इसको यूज करके आप इसको अप्लाई करके और इसके बाद आप एक घंटे बाद अपना फेस वॉश कर सकते हो, या फिर आप बहुत ही कम क्वांटिटी में ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल अप्लाई करके उसको एज इट इज छोड़ सकते हो ताकि इतना यूज़ करो कि वो आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाए। या आप देख सकते हो ये मैंने जितना अप्लाई किया है ये मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इसके बाद आपको कोई भी फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बेस्ट क्रीम है आपके विंटर के लिए, बहुत ही बेस्ट रूटीन है स्किन रूटीन।
सो ये लास्ट स्टेप था। इसके बाद आपको अपने स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। आप देख सकते हो ये नॉर्मल आपके फेस क्रीम की तरह अपने फेस पे एब्जॉर्ब हो चुका है और बहुत ही आपको सॉफ्ट और बहुत ही बेस्ट फील होगा इसको लगाने के बाद, और आपको एक ड्रास्टिक चेंज भी नज़र आएगा अपनी स्किन में। सो इसके बाद जो लिप का प्रोसेस है मैं आपको बता दूँ, अगर आपके लिप्स फट रहे हैं, सर्दियों में ड्राई हो चुके हैं, काले हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सिंपल रेमेडी मेरे पास है। या तो अगर आपकी लिप डार्क नहीं है, सिर्फ ड्राई हो रही है, तो आप सिंपल ये वैसलीन यूज़ कर सकते हो अपनी लिप पे। या फिर अगर आपकी लिप डार्कन है, बहुत ही ज़्यादा काली पड़ रही है, या फिर साइड वाला जो एरिया होता है वो डार्क हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, चीनी यानी कि शुगर को क्रश करके बिल्कुल पाउडर बना करके उसको इस वैसलीन में मिक्स करके और अपने लिप पे स्क्रब करो, उससे उसको अप्लाई करो। स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं भी है तो उसको अपने लिप पे अप्लाई करो, उससे आपको पिंकिश और बेस्ट पिंक लिप आपको मिलेगा। सो इसके अलावा और कोई भी रेमेडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत ही बेस्ट रेमेडी है ये आपके लिए जो विंटर में स्किन केयर के लिए मैंने आपको आज बताई है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये रेमेडी पसंद आई होगी। सो गाइज, ये थी मेरी आज की रेमेडी जो मैंने आपके साथ शेयर की है विंटर के लिए, कैसे आप विंटर में अपने स्किन केयर कर सकते हैं, स्किन की देखभाल कर सकते हैं, जिससे आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन हो, वाइटन हो, एंड ऑल्सो पिंकिश ग्लो मिले आपकी स्किन को, एंड ऑल्सो आपकी लिप्स के लिए भी मैंने एक टिप आपको दिया है आज। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो हाउ वॉज माई वीडियो, टेल मी इन द कमेंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच नेचुरल रेमेडीज फ्रॉम मी, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।